हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर सैंडी। तो आज आपके लिए लाए हैं एक बढ़िया एक गैजेट, जो कि इसको आप आसानी से अगर सीखेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से एक सीडी ड्राइव एक डीवीडी ड्राइव रीड करता है, रेड करता है। तो ये जो सीडी ड्राइव है, इसमें से हम लोग आउटपुट करके ये हम लोग एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को जलाएंगे, लेकिन ये जो सीडी है वो किस प्रकार से हम लोग जला सकते हैं, किस प्रकार से इस पर इनपुट कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो हम लोग तो ज़्यादातर CD ड्राइव, DVD ड्राइव हमने देखा है, तो इसके अंदर अगर हम लोग ठीक तरीके से देखेंगे तो कहाँ तक रीड हुआ है, राइट हुआ है, सब कुछ इसमें हल्का करके दिखाई देता है। तो ये एक्चुअली इसमें जो रहता है वो इस प्रकार से रहता है, जो कि छोटा छोटा बीप रहता है, जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का डॉट डॉट रहता है। सारे LED जो कि जो डिस्प्ले इसमें दिख रहे हैं, मतलब CD ड्राइव पे, ये छोटा छोटा करके इस तरह डॉट रहता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। ये सिर्फ हमारे जो CD ड्राइव का जो लेंस होता है, लेंस ही इसको रीड कर सकते हैं, और उसी लेंस इसको रीड करके जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, वही फ्रीक्वेंसी से हम लोग गाना सुनते हैं, वीडियो जनरेट होते हैं, उसी प्रकार से ये होते हैं। लेकिन हम लोग इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर हम लोग एक CD ड्राइव बनाएंगे, और उसी CD से 7 सेगमेंट डिस्प्ले से हम लोग इनपुट लेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4 करके हम लोग इस पर जनरेट करेंगे, करने के बाद इसमें से आउटपुट होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। तो जो हम लोग इस पर डाटा इनपुट करेंगे वो डाटा होगा, जैसे कि हम लोग जो किताबों में देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 000, जो कि 4-digit 0 है, इसमें से 0 आया है डेसिमल नंबर। बाइनरी कोड फिर से 0001 हुआ है, तो यहाँ पे 1 आया है, मतलब ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे शो करेगा। और ये जो कोड है, इसी कोड को हम लोग CD ड्राइव पे यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग यूज़ करेंगे, मान लीजिए 0001, तो 0001 हम लोग CD ड्राइव पे किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे ब्लैक कर देंगे 0000, उसके बाद जहाँ पे ब्लैंक रहेगा ये रहा 1, तो ये ब्लैंक है इसके अंदर, तो ये 1 हो गया है। तो फिर से मान लीजिए 0010, तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, मतलब यहाँ पे ब्लैंक है। तो जब भी IR LED जो है वो यहाँ पे आके रीड करेगा, तो क्या करेगा, 0010 इस प्रकार से रीड करेगा, करने के बाद हम लोगों को इनपुट मिलेगा, और वही इनपुट हम लोग जो कि Arduino के प्रोग्रामिंग करके हम लोग करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक CD बनाते हैं, CD के साथ हम लोग सभी इनपुट आउटपुट किस प्रकार से करते हैं सब कुछ आपको डिटेल्स में बताते हैं। इस वीडियो का सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स से खरीदा हुआ है, बहुत ही अच्छा और सस्ता कंपनी है, अगर आप चाहते हैं वहां पे जाके बहुत ही कम रेट पे खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 4 IR LED और IR रिसीवर हमने 4 लगाया है,
जो कि दो दो करके हमने सेट किया है, 4 बिट का। तो 4 बिट इस पे इनपुट होगा, होने के बाद जो कोई भी आर्डिनो आप ले लेंगे, आर्डिनो के मदद से जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो 7 सेगमेंट में आउटपुट करेगा। मतलब 4 बिट पे हम लोग जो 0000001 0001 इस प्रकार से जो हम लोग बाइनरी बीट करते हैं, उसी बीट से हम लोग 7 सेगमेंट को ऑन करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी से हम लोग इसको ऑन करेंगे। लेकिन हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से एक सीडी से इनपुट होते हैं और आउटपुट पे क्या किस प्रकार से हम लोगों को मिलता है। तो अभी चलिए इसको हम लोग फिट करते हैं, दोनों को एक साथ फिट करके हम लोग चेक करके देखते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने एक सीडी बनाया है। सीडी एक्चुअली सीडी नहीं है, ये मैंने जो कि कार्डबोर्ड से बनाया है, इसको हम लोग सीडी की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं, तो पूरा का पूरा सीडी हमने ब्लैक कलर किया है और यहाँ पे आप व्हाइट कलर देख सकते हैं। व्हाइट कलर एक्चुअली में क्या है, व्हाइट कलर है जो कि बीट जो होते हैं वो बीट व्हाइट कलर से इनपुट होगा और ब्लैक कलर पे जब भी आएगा वो बीट 0 हो जाएगा, व्हाइट पे आएगा तो ऑन 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसी के मदद से 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम लोग जलाएंगे, 1 2 3 4 करके इसको जलाएंगे। तो चलिए अभी इसको हम लोग सेट करते, करने के बाद हम लोग देखते ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो अभी देखिए मैंने जो सर्किट बनाया है, तो यहाँ पे आप एक डिश देख रहे हैं जो कि सीडी की तरह ये दिख रहा है। तो मैंने एक प्रकार का सीडी बनाया है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा इसमें हो गया है। तो यहाँ पे जो हमने आईआर एलईडी और आईआर जो कि रिसीवर हमने लगाया है उसको हमने यहाँ पे फिट किया है। किस लिए फिट किया है, ये एक हेड की तरह काम करेगा। सीडी का जो हेड होता है वही हेड की तरह ये काम करेगा और आर्डिनो वही जो प्रोग्रामिंग इस पे हमने डाल दिया है व्हाइट कलर के पेपर से, वही प्रोग्रामिंग को ये डिकोड करके इसमें भेजेगा। तो इसमें भेजने से ये 1 2 3 4 करके इस तरह आएगा। तो अभी देखिए मैं अभी पावर दे दिया, तो अभी इसको पावर देते हैं। तो अभी देखिए पावर आ गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 0 आया है। ठीक है, 0 क्यों आया है, यहाँ पे कोई व्हाइट कलर का पेपर नहीं है तो इसलिए ये 0 आया है। तो जब भी इसको घुमाएंगे, सीडी को जिस तरह घुमाएंगे, तो मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो देखिए अभी 0001 आया है, तो इस पर भी 1 आ गया है। तो अभी फिर से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी 0 आ गया है। इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो मैं सीडी को फिर से घुमा रहा हूँ, देखिएगा ये ग्लो करेगा। तो देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये 1 2 3 4 करके आ रहा है इस तरह। तो अभी अभी इसको 0 मैं 0 पे ला रहा हूँ, तो देखिए अभी 0 आ गया है। उल्टा घुमाएंगे तो उल्टा करके आएगा, तो देखिए उल्टा मैं घुमा रहा हूँ, उल्टा करके ये आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे से आ रहा है, तो फिर से 0 आ गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको देखने के बाद हम लोगों को पता चल गया है किस प्रकार से एक सीडी को काम करते हैं और सीडी से हम लोग किस प्रकार से डिकोड करके कोई डिस्प्ले पे भेज सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक सीडी ड्राइव की तरह हम लोग एक ड्राइव बना सकते हैं जिसके मदद से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, बाय।